हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल विजिट टेक पर। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप 2022 में कैसे अपना आधार कार्ड बुक कर सकते हैं, वो भी पीवीसी में, और उसे घर भी मंगवा सकते हैं। तो वो सारी स्टेप्स मैं बताऊंगा, कितने रुपए उसमें लगने वाले हैं, क्या क्या प्रोसेस आपको करना होगा। तो आप मोबाइल में भी सेम प्रोसेस कर सकते हो, कंप्यूटर में भी सेम प्रोसेस कर सकते हो, उसी तरीके से आपके घर पर पीवीसी आधार कार्ड आने वाला है। तो चलिए यहाँ पर बात कर लेते हैं। जो साइट है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे रखा हूं, तो आपको क्रोम ब्राउजर ओपन कर लेना है या फिर कोई सा भी ब्राउजर आप ले सकते हो, ठीक है। ये साइट मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप डायरेक्ट जाके वहां से ओपन कर सकते हो। ओपन करने के बाद में इस तरीके का होम पेज होने वाला है। तो लिंक मैं यहां पे बता रहा हूं, ये है myaadhar.uidai.gov.in, ये साइट होने वाली है। ये आप सर्च कर लीजिए गूगल पे, तो यहाँ पे लॉगिन हो जाओगे, ठीक है। यहाँ पे आने के बाद में इस तरीके का होम पेज रहने वाला है, और ये जो ऑप्शन दिए गए हैं ये सारी सुविधा आपको मिलने वाली है अपने आधार कार्ड को लेकर, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से मिलने वाला है। फिर आपको यहाँ पे सबसे पहले मैं बता रहा हूँ कि आपको यहाँ पे लॉगिन कर लेना है अपने आधार कार्ड नंबर से। लॉगिन करने से ये होगा कि आप बार बार आपको ओटीपी नहीं भेजना पड़ेगा, हर चीज़ के लिए एक बार ही ओटीपी यहाँ पे मान्य होगा, ठीक है। अगर यहाँ से आप वन बाई वन ऑप्शन पे जाते हो तो आपको हर बार ओटीपी लगाना होगा, लेकिन इसमें जाने के बाद में आप सभी सर्विसेज का लाभ उठा सकते हो एक बार में ही, ठीक है। तो अब यहाँ पे अपन लॉगिन हो जाते हैं। लॉगिन पे जैसे ही क्लिक करोगे तो आपको दो चीज़ पूछी जाएगी, एक आपका आधार कार्ड नंबर और फिर ये कैप्चा, जो सेम कैप्चा दिख रहा है वो सेम यहाँ पे डाल देना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं जल्दी से ये दो चीज़ फिलअप करके और सेंड ओटीपी पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पे कैप्चा फिलअप कर दिया है, अपने आधार कार्ड नंबर दे दिए हैं, और यहाँ पे सेंड ओटीपी पे क्लिक करता हूँ। और एक बात, यहाँ पे आपको जैसा कैप्चा दिख रहा है उसी तरीके से डालना है, कैपिटल है तो कैपिटल, स्मॉल है तो स्मॉल, उसी तरीके से यहाँ पे डालना है। डालने के बाद में यहाँ पे देखिए, सही डाल दोगे तो यहाँ आ जाएगा ओटीपी जनरेट सक्सेसफुली, ठीक है। यहाँ पे आपके फ़ोन पे एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी यहाँ पे सबमिट करना है। तो मैं यहाँ पे जल्दी से सबमिट कर देता हूँ, ठीक है। ये ओटीपी डालने के बाद में यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करना है। लॉगिन अगर आपका सब कुछ सही होगा तो आप लॉगिन हो जाओगे, कुछ भी गलत होगा तो आप लॉगिन नहीं हो पाओगे। अब यहाँ पे मैं बता देता हूँ किस तरीके से आप यहाँ पे सारी चीज़ों का लाभ उठा सकते हो वन क्लिक पे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको लॉगिन होने का मतलब है कि अब आपको बार बार ओटीपी यहाँ पे नहीं आएगा, बार बार ओटीपी लगाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आप सभी चीज़ चेक कर सकते हो और यहाँ पे आप वन बाई वन देख सकते हो। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ वो है आप पीवीसी आधार कार्ड कैसे ऑर्डर कर सकते हो, कितना आपका चार्जेस लगने वाला है, क्या क्या स्टेप्स आपको फॉलो करनी है, वो सारी चीज़ें मैं बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे आने के बाद में आपको सेकंड ऑप्शन पे जाना है। सेकंड ऑप्शन पे जाने के बाद में यहाँ आपको बता दिया गया है कि आप जो ऑर्डर करोगे उसके आपको 50 रुपीज़ देने होंगे जीएसटी पेड, यहाँ पे इंक्लूड जीएसटी है ये 50 रुपये, आपको इसके अलावा कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं देने हैं। और आपको मैं बता देता हूँ, अगर ये सेम प्रोसेस आप ई मित्र से करवाते हो तो आपको 100 रुपीज़ देने होंगे, 50 रुपये यहाँ पर सरकार लेती है और 50 रुपये यहाँ ई मित्र वाला लेता है। ये तो कंपलसरी आपको देना ही देना, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, इस तरीके का आपका जो पीवीसी आधार कार्ड है वो आने वाला है, और जब भी आएगा ऑर्डर से, ठीक है, तो आपके बाय पोस्ट घर पे भेज दिया जाएगा। आपको कोई भी मशक्क़त नहीं करनी है, जो आपके आधार कार्ड में एड्रेस है वहाँ पे आपको बाय पोस्ट भेज दिया जाएगा। अगर आपके आधार कार्ड में गलत एड्रेस है तो आपका आधार कार्ड आने में थोड़ी समस्या पैदा हो सकती है, या फिर आपको वहाँ से आपके जो पोस्ट लगता है वहाँ से जाके कलेक्ट करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर सभी चीज़ें दी गई है, इसमें क्या क्या सुविधा है वो सारी दी गई। तो यहाँ पर ये होने के बाद में आप नीचे स्क्रॉल करना है। नीचे स्क्रॉल करने के बाद में जो आपका आधार कार्ड नंबर लगाया था वो आपका एड्रेस वगैरह, नाम वगैरह सब कुछ आ जाएगा, और जो फोटो है वो आ जाएगी, और आपकी डेट ऑफ बर्थ वगैरह और जो एड्रेस है वो सब कुछ यहाँ पे दिया गया होगा। अगर सब कुछ सही है तो आपको नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद में यहाँ पेमेंट की बारी आती है। पेमेंट यहाँ पे 50 रुपये यहाँ पे दिया गया है, इंक्लूड जीएसटी, आपको कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं देना है, 50 रुपये में ही आपका सब कुछ, डिलीवरी चार्जेस वगैरह सारा सब कुछ इसी में एड होके आता है, ठीक है। तो ये आपको ऑनलाइन ही करना है, ऐसा नहीं है कि आप इसको मतलब ऑर्डर आने के बाद में आप इसको पे कर सकते हो। आपके ये डाकिया से आएगा, ना कि किसी कुरियर कंपनी से आएगा वैसे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सरकारी जो डाकिया है उसके द्वारा यहाँ पे दिया जाएगा, और यहाँ पे ये 50 रुपये देना अनिवार्य है, तो ये ऑनलाइन ही देना होगा। उसके लिए ये आपको जो सर्विस है उसको एक्सेप्ट करना है। यहाँ पे राइट चेक आ रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे क्लिक कर दोगे ये हाईलाइट हो जाएगा। हाईलाइट होने के बाद में मेक पेमेंट पे क्लिक करना है। जैसे आप मेक पेमेंट पे क्लिक करोगे तो यहाँ देखिए,
यहाँ तो आपका 50 रुपीज़ आ रहा है, और आपको पेमेंट ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं, जैसे कि आपको कार्ड में क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड दोनों से आप यहाँ पे पेमेंट कर सकते हो। आप किसी वॉलेट से कर सकते हो, आपके पास कोई वॉलेट है यूज़ करते हो तो उससे कर सकते हो, नेट बैंकिंग से कर सकते हो, UPI से कर सकते हो, फ़ोनपे से कर सकते हो। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन तो मुझे UPI लगता है। UPI में सारी कंपनियां यहाँ पे ऐड की गई है, फ़ोनपे, गूगल पे, सारे सब कुछ यहाँ पे मिल जाएंगे। और अगर इनके अलावा कोई दूसरा आपके पास UPI है तो एनी UPI ID पे क्लिक करके आपको सबमिट कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर देखिए मैं पेटीएम का लगा रहा हूँ। यहाँ पे पेटीएम का लगाने के बाद में आपको वेरीफाई करना है। वेरीफाई करने के बाद में यहाँ पे अगर आपका UPI सही होगा तो सक्सेसफुली यहाँ राइट क्लिक करके और प्रोसीड का ऑप्शन हाईलाइट हो जाएगा। अगर गलत होगा तो आपको सही लगाना है, फिर प्रोसीड करना है। ठीक है, प्रोसीड तभी होगा जब आप सही UPI ID लगाओगे। और यहाँ पे लगाने के बाद में आपका जो पेमेंट है अप्रूवल आपके फ़ोन पे आएगा, जो भी आप UPI ID लगाओगे वहाँ पे आपका फ़ोन पे चला जाएगा। वहाँ पे जाने के बाद में आपको इस तरीके का ऑप्शन मिलेगा आपका सक्सेसफुली पेमेंट होने के बाद में। तो यहाँ पे देखिए आपको पेमेंट करने के बाद में यहाँ पे ट्रांजेक्शन स्टेटस है वो सक्सेस लिखा हुआ आ जाएगा, SRN नंबर आ जाएगा जिससे आप अपना आधार कार्ड ट्रैक कर सकते हो किस तारीख को पेमेंट हुआ और अमाउंट दिया गया है कितना अमाउंट पे हुआ। ठीक है, फिर आपको यहाँ पे इस रिसिप्ट को डाउनलोड कर लेना है, क्योंकि ये डाउनलोड करना ज़रूरी है। इसी के द्वारा सारा आपका जो है वो प्रोसेस वापस देखा जा सकता है कि आपने क्या किया था, क्या नहीं, किस तारीख को किया था और SRN नंबर क्या है। तो इसको डाउनलोड करना ज़रूरी है। डाउनलोड करने के बाद में कुछ इस तरीके से ये रिसिप्ट दिखने वाली है, और सेम आपको यहाँ पे दिया गया है जो आपका रिसिप्ट नंबर है, रिसिप्ट डेट, SRN नंबर, पेमेंट, ट्रांजेक्शन ID, अमाउंट दिया गया है, आधार नंबर दिया गया है, ट्रांजेक्शन स्टेटस दिया गया है। यहाँ पर सभी वही चीज़ें हैं जो मैंने आपको पीछे दिखाई है, लेकिन ये डाउनलोड करने के बाद में इस तरीके से आपको दिखने वाला है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे अपना आधार कार्ड है, PVC आधार कार्ड, वो ऑर्डर कर देना है और आपके घर पे ये आसानी से आ जाएगा। आने के बाद में कैसा दिखता है कैसा नहीं, वो मैं आई बटन पे लिंक दे रखा हूँ, वहाँ से जाके आप डायरेक्ट देख सकते हो कैसा आपका PVC कार्ड होने वाला है। और अगर आपको यहाँ पे मैंने जो ऑर्डर किया है वो आने वाला है, वो मैं आपको दिखा दूंगा, जब भी मेरे पास आएगा तब मैं दिखा दूंगा कैसे वो आता है, कैसे देके जाता है, वो सारी स्टेप्स मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ दोस्तों लाइक से जो कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि सभी को ये नॉलेज मिल पाए। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर।